हरियाणा टीजीटी भर्ती 1900 युवाओं को सवालों पर ऑब्जेक्शन शिकायत पर जांच शुरू। टीजीटी की लिखित परीक्षा में 40,000 युवा परीक्षा देंगे, जिसमें करीब 25,000 8 विषयों के लिए परीक्षा दे चुके हैं, जबकि 15,000 की परीक्षा 13 और 14 मई को निर्धारित की गई थी। परीक्षा 13 और 14 मई को निर्धारित की गई थी। 29 और 30 अप्रैल को ही परीक्षा में 1900 ऐसे युवा हैं जिन्होंने आपत्ति अथवा ऑब्जेक्शन लगाया है। आंसर की में 1900 कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन लगाया है। 7441 पदों के लिए 10 विषयों की परीक्षा पंचकुला में हुई। जून तक पूरी होगी भर्ती, आपत्ति सही निकली तो मिलेंगे अंक। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि हेड एग्जामिनर को लिखा गया है कि और पूछा गया है कि वे इन सवालों के लिए स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट दें और साबित करें कि सवाल कहां से उठाए हैं। यदि कोई भी सवाल गलत हुआ तो इसका लाभ परीक्षा देने वाले को मिलेगा। आयोग द्वारा अब सभी सब्जेक्ट्स की परीक्षा पूरी हो जाएगी। अगले दो दिन के अंदर आंसर की जारी की जाएगी। इसके बाद ऑब्जेक्शन दे सकेंगे, फिर रिवाइज आंसर की जारी की जाएगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट के आधार पर जून के अंत तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।